नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की एक और इंटरेस्टिंग खबर में। और दोस्तों अभी की बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि कल है 28 मई और कल ICC की मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप कि इस साल वर्ल्ड कप कराया जाए नहीं कराया जाए, IPL की विंडोज के साथ साथ ICC का नया चेयरमैन कौन बनेगा। इन सब बातों के बारे में दोस्तों कल चर्चा होगी, जिसमें मेन मोटिव तीन चीज़ों पर रहेगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो है वो कोरोना वायरस की वजह से 2022 तक के लिए टाला जा सकता है। ये टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था, लेकिन इस पर फाइनल डिसीजन कल ICC की मीटिंग में लिया जाएगा। और हमने आपको पहले भी बताया था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो कि इस बार इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है वो कल अपने हाथ खड़े कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया अपना नुकसान नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि अगर अभी वो वर्ल्ड कप करवाएगा तो उनको खाली स्टेडियम में मैचेस कराने होंगे, इसके अलावा 15 टीम्स का ट्रेवल, क्वारंटाइन, होटल, इन सब का भी काफ़ी खर्चा होगा और रेवेन्यू भी काफ़ी कम होगा। तो इसी वजह से वर्ल्ड कप का पोस्टपोनमेंट कल अनाउंसमेंट हो सकती है उसके बारे में। और अगर ऐसा होता है तो फिर IPL के फैंस के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि फिर हमें पूरा IPL देखने को मिलेगा, हमें कोई 40 या 37 दिन का IPL देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दौरान कोई भी टूर्नामेंट या फिर कोई भी सीरीज़ भी नहीं है। तो इसी वजह से यहां पर IPL की विंडो खुल जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि BCCI भी पूरी तैयारी कर चुका है कि अगर उनको जगह मिलती है तो वो IPL को 25 सितंबर से कराने पर विचार कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी रूपरेखा भी तैयार कर रखी है, बस इंतज़ार है तो ICC के फैसले का। वहीं पर दोस्तों कल की ICC मीटिंग में तीन मुद्दों पर बातचीत होगी। पहला, T20 वर्ल्ड कप को अगले साल की शुरुआत में कराया जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन अगले साल भी वर्ल्ड कप के होने की उम्मीद जो है वो काफ़ी कम है। बात करें वजह की तो दोस्तों इस समय जो दो देशों की बायलैटरल सीरीज होती हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इसी साल इंडिया को होस्ट करने वाली है और इस पर वो जोर भी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि नवंबर दिसंबर में ही भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरा करने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पर ज़्यादा जोर दे रही है बजाय कि वर्ल्ड कप के। तो वहीं जनवरी से मार्च तक इंग्लैंड की टीम जो है वो भारत दौरे पर आएगी, तो इसी वजह से, और इसमें दोस्तों टेस्ट, ODI और T20 मैचेस खेले जाएंगे, तो ये एक लंबा दौरा होगा और उस समय बाकी देशों की भी सीरीज होंगी। तो इसी वजह से अगले साल भी जो ये वर्ल्ड कप है इसका होना जो है वो मुश्किल है। वहीं पर दूसरा टॉपिक होगा कि अगले साल अक्टूबर में भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा या फिर नहीं। तो ऐसे में दोस्तों दूसरा विकल्प ये होगा कि 2021 में जो वर्ल्ड कप होगा, जो एक्चुअली 2020 में ऑस्ट्रेलिया में ही होना था, उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को ही दे दी जाए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 2021 में जो है वो भारत को मेज़बानी मिलनी थी वर्ल्ड कप की, लेकिन क्योंकि अब इतनी सारी सीरीज़ भारत को करनी है, तो इस वजह से हो सकता है कि ICC ये डिसीजन ले ले कि अगर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है तो फिर 2021 में जो वर्ल्ड कप कराया जाए और वो भी अक्टूबर नवंबर में ही कराया जाएगा, तो उसको जो है उसकी मेज़बानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ही दे दी जाए और भारत 2022 में वर्ल्ड कप करा सकता है। लेकिन इस पर भी दोस्तों BCCI मानेगा या फिर नहीं इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2021 में भारत को ही वर्ल्ड कप को होस्ट करना है। इसके अलावा 2023 में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा वो भी भारत ही होस्ट करने वाला है। वहीं पर तीसरा विकल्प ये है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप को 2022 में करा सकता है, इसके लिए कई खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 2022 में ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं है। तो दोस्तों इन तीन विकल्पों पर कल चर्चा होगी। आपको बता दें कि 2009 और 2010 में लगातार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पहले भी कराया जा चुका है, जबकि इसका आयोजन का समय जो है वो 2 साल का रहता है। हर 2 साल के पीरियड में एक T20 वर्ल्ड कप कराना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ टूर्नामेंट के टकराव की वजह से ये लगातार जो है वो 2 साल तक 2 वर्ल्ड कप भी आयोजित हुए हैं। तो हमें इसी तरह से 2021 और 2022 में 2 T20 वर्ल्ड कप देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भारत में ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों 100 बात की एक बात ये है कि 2021, 2022 और 2023 इन तीनों साल में हमें एक एक वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, जहां पर 21 और 22 में तो हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा और 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। और दोस्तों इन तीन में से 2 वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है वो भारत कर सकता है। दोस्तों डिपेंड करता है कि कोरोना वायरस का हाल क्या रहता है।
तो आईसीसी की मीटिंग में इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जैसे ही कल मीटिंग खत्म होती है हम आपको अपडेट दे देंगे। उसके लिए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आप मिस ना करें। धन्यवाद।